Hi guys, so today we are going to study about blastids and our endoplasmic reticulum. So we'll start with the blastid. So there are three types of blastid. One is chromoplast, chloroplast and leukoplast. So we'll go one by one. Now these blastids are differentiated on the basis of their color or pigment. So jo chromoplast, chloroplast hote hain, they have chlorophyll. सो इसी वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर होते हैं. बट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे हैव कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक ज़ैंथोफिल, कैरेटीन्स. इस वजह से जितने भी फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल चिली, ऑरेंज या फिर एनीथिंग, उन सब में कलर आता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर. और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दे आर कलरलेस एंड दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स. सो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स: अमाइलोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च, इलायोप्लास्ट विच स्टोर फैट एंड वन मोर इज अल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन. नाउ कमिंग टू क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट आर एलोंगेटेड डिस्क शेप ऑर्गेनेल्स विच कंटेन क्लोरोफिल. सो बेसिकली जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ए ग्रीन प्लांट विच मेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, वो भी एक प्लास्टिड होते हैं, बट वो फ्रूट्स में फाउंड होते हैं या फिर वेजिटेबल्स में, जो कि उनको ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल येलो, ऑरेंज, रेड कलर. और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दे आर कलरलेस, दे आर फाउंड इन द रूट, सीड्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स में, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं. नाउ कमिंग टू क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. सो दे आर डबल मेम्ब्रेन. और फिर जैसे पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि डीएनए, इनके पास डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास, दे हैव देयर ओन डीएनएस विच आर सर्कुलर एंड नेकेड इन स्ट्रक्चर. और राइबोसोम होता है, जो कि 70S होता है. सो इनके स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, तो दे हैव थाइलाकॉइड्स, ग्रैना, फोटोसिस्टम एंड स्ट्रोमा. सो थाइलाकॉइड क्या होते हैं, कि फ्लैटेन डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिनका खुद का एक इंटरनल वॉल्यूम होता है, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द हाइड्रोजन ग्रेडियंट अपॉन द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन के लिए. सो बेसिकली जितना ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रेडियंट होगा और जितना ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा प्रोटॉन, उतना ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस होगी, which will help in the production of food. So basically thylakoid in इसी काम आते हैं. And then coming to grana, grana are the thylakoids. So अगर हम grana के बारे में बात करें, तो basically जो thylakoids होते हैं, वो arrange हो जाते हैं stacks में, तो increase the surface area and volume ratio, तो वो बन जाते हैं grana. देन जो फोटो सिस्टम होता है, वो बेसिकली जैसे प्लांट के पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई. सो दी पिगमेंट्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू फोटो सिस्टम इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में. फॉर उसके तो बेसिकली होता क्या है, कि ये जो पिगमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ लाइट रिएक्शन, तो उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी जो हैं, वो अरेंज होंगे. तो जब लाइट इन पे पड़ेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, एंड दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो इन जेड स्कीम. तो जेड स्कीम एंड देन उस सारे प्रोसेसेस में सब कंबाइन करके जो होता है, फोटोसिस्टम टेक्स प्लेस होता है, जो कि अपकमिंग चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा. एंड देन वी टॉक अबाउट स्ट्रोमा. देन जो सेंट्रल कैविटी होता है, विच कंटेन सारे एंजाइम्स एंड जो पीएच होता है कैल्विन साइकिल के लिए होता है, वो सब इस प्लेस पे होता है. सो अगर लैमेले के बारे में बात करें, तो लैमेले जो होता है, बेसिकली वो बहुत सारे थाइलाकॉइड या फिर जो ग्राना होते हैं, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, उनको कनेक्ट करता है, सो दैट जो एरिया है वो तो सिस्टम फोटोसिंथेटिक के लिए वो मैक्सिमाइज हो जाए. इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है. सो हाँ, तो अगर ये देखो, ये जो एक सिंगल सा जो स्पेरिकल सा ये जो है डेस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बेसिकली कहते हैं थाइलाकॉइड. तो ये जो थाइलाकॉइड देखो, एक, दो, तीन, चार, ये जब अरेंज हो जाता है एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में, देन दिस होल फिगर वी कॉल्ड एज अ ग्राना. और एक सिंगल डिस्क को वी कॉल एज अ ग्रैनम, जो कि उसका प्लूरल होता है. एंड जो इसका इनर वाला पार्ट है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम काम होते हैं. और ये है इनर मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर होते हैं. ये सारे थाइलाकॉइड्स ने बता ही दिया, और ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इन सबको, ताकि फोटोसिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, दीज आर कॉल्ड लैमेले. सो
तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, और इनके पास इनका खुद का डीएनए भी होता है, इनके 70S इनके पास राइबोसोम होता है, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स बिकॉज इनका पास डीएनए है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सब कुछ हो सकता है इनके प्लास्टिड के अंदर। नाउ कमिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो बेसिकली जो एंडोसिम्बायोटिक सिम्बोसिस है ये ग्रीक वर्ड है, तो विच मीन्स जो एंडोन होता है उसका मीनिंग होता है विद इन, एंड सिम का मतलब होता है टुगेदर, एंड बायोसिस एज वी ऑल नो इज लिविंग। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है देन दिस वर्ड इज़ नोन एज एंडोसिम्बायोटिक्स, एंड एंडोसिम्बायोटिक इज़ ए ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स विद इन द बॉडी और सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। सो जो ये थ्योरी है ये हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो भी हम ये जो दो हमारे ऑर्गेनलीज हैं विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों के दोनों हमारे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर से आई हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉडर्न यूकेरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल एंड फैगोट्रॉपिक सेल्स दैट इंजेस्टेड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दे प्रे द प्रे वॉज नॉट डाइजेस्टेड एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द इंडोसिम्बायोटिक वेयर यूज इन दिस होस्ट। सो बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा पूरा। तो इसमें क्या इनिशियली कैसे समझाते हैं कि जो इनफोल्डिंग्स थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंसेस्ट्रल बैक्टीरिया या सेल्स की, वो बन जाते हैं हमारे एंडो मेम्ब्रेन कॉम्पोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस एंड ER, एंड देन जो दूसरा होता है जो फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंडोसिम्बायोटिक इवेंट जो हुआ था उसमें हमारे एंसेस्ट्रल यूकेरियोट्स जो हैं यूकेरियोटिक बैक्टीरियाज एंड अदर थिंग्स, उन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम की। सो जो वो इवॉल्व होके बनती है माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एंड ऑल का सबका प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज। सो उस वजह से ऐसा ये लोग बताते हैं कि वो जो जिस बैक्टीरिया को इनगल्फ किया गया होगा दैट वुड बी एन एरोबिक बैक्टीरिया बिकॉज वहाँ से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हो गया। वेयरएज अगर सेकेंड जो एंडोसिम्बायोटिक इवेंट हुआ होगा उसमें अर्ली यूकेरियोट्स ने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जो कि इवॉल्व हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है कि जो सेल के जो दो ऑर्गेनलीज हैं क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडो ये प्लास्टिड, ये दोनों के दोनों किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर से आई हैं जो कि इवॉल्व हुई है विद टाइम, एंड नाउ टुडे दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सो जो इनका जो इंटरनल कंपार्टमेंट होता है उसको भी हम एज यूजल ल्यूमन कहते हैं, और विच सेपरेट द सेल विद एग्जिस्टिंग प्रोटीन एंड आयन कॉम्पोजिशन। सो जो न्यूक्लियस के बाहर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो उधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डिपेंडिंग अपॉन राइबोसोम प्रेजेंट हैं या नहीं है वी कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एक होता है स्मूथ। स्मूथ वाले में बेसिकली राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो जिन पे ये देखो स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं दे आर राइबोसोम्स, एंड जिन जिन पे हैं दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे नहीं है दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें RER और CER में तो फिर ऐसे हो जाएगा कि जिन पे हैं राइबोसोम दे आर RER, जिन पे नहीं है राइबोसोम दे आर SER। सो बेसिकली जो RER है वो फाउंड होता हेल्प करते हैं एंजाइम सिंथेसिस में, वो क्योंकि प्रोटीन बना सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो एंजाइम भी एक प्रोटीन ही है, तो वो प्लाज्मा सेल नर्व सेल इन सारे चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन मेक दीज ऑल थिंग्स। वेर एज जो हमारे SER है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स या फॉस्फोलिपिड। देन जो RER है वो इन्वॉल्व होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन में, जो कि आप पढ़ेंगे कि जो हमारे इंट्रॉन्स एंड एग्जॉन्स होते हैं तो जब ये होते इनको भी कट करना पड़ता है ताकि जो एग्जॉन्स हैं और इंट्रॉन्स हैं इंट्रॉन्स को निकालते हैं बिकॉज दे आर नॉन कोडिंग एरियाज ऑफ द DNA।
सो उनको हम निकालते हैं। एंड इवन ट्रांसलेशन के बाद भी बहुत सारी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करनी रहती है टू मेक देम एक्टिव प्रोटीन। तो ये सब जो प्रोसेस होता है वो आरईआर में होता है, एंड आरईआर ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरेटिव टू एसईआर। और जो ये होते हैं ये एग्जोक्राइन सेल्स और पैंक्रियाज एंड ऑल में फाउंड होते हैं, वेयर एज एसईआर इज़ फाउंड इन द एपिथीलियम।